अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुर्बानी के ऊँट हैं, इन्हें ट्रक पर सवार किया जा रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मज़ीद तफसील के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रक पर कैसे सवार किया जा रहा है और किन मुश्किलात का सामना हो रहा है। मज़ीद चल कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं तीन ऊंट सवार हो चुके हैं, अभी पीछे चार ऊंट बाकी है, ये देखें। और इसे सवार करने के लिए बड़ा मसला पेश आ रहा है, ये आप लोग देखें तीन ऊंट सवार हो चुके हैं, अभी चार ऊंट पीछे बाकी हैं। इस ऊंट को चढ़ाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, ये ट्रक में लोड नहीं हो रहा भाई, आप लोग देख सकते हैं बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इसको ऊपर सवार करने में। आप लोग देख सकते हैं हो गया है, लोड हो गया है। दोस्तों ये किसी एक आदमी का काम नहीं होता, ये जानवर ऊंट तो एक ही आदमी के हैं लेकिन गांव के सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने आदमी हुए पड़े हैं एक ऊंट को ऊपर चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि ऊंट का पिता नहीं होता, इसे गैरत नहीं आती, कितना बड़ा जानवर है देखें, अगर ईमानदारी पकड़े तो ये सबको एक साथ खा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बाज हो भी जाता है। अगर आप लोग इस बात के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस ऊंट को ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल दरपेश आ रही है, तकरीबन आधे घंटे से इस ऊंट को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नाकाम हो रही है, बार बार कोशिश की जा रही है। ये देखें ऊंट असल में डर गया है इसलिए ऊपर नहीं चढ़ रहा, बार बार कोशिश की जा रही है लेकिन इंसान बुरी चीज़ है, आखिर कब तक। आखिरकार दोस्तों ये ऊंट नहीं चढ़ सका, तकरीबन एक घंटा पूरा गुजर चुका है कोशिश करते हुए, लेकिन इस ऊंट को ऊपर चढ़ाने में यहाँ पर सवार करने में अभी तक हम नाकाम रहे हैं। अब इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर दोबारा चढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है,
ऊंट बहुत डर गया है, फिर कोशिश की जाएगी इसे दोबारा। आंखों पर पट्टी बांधकर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसा है? पीछे बैक ताकि इसका मुंह इस तरफ हो और इसे पता ना चले, फिर कोशिश की जा रही है। यार तकरीबन एक घंटा गुजर चुका है इस ऊंट को ऊपर चढ़ाने में, लेकिन ये नहीं चढ़ सका। लेकिन अब ये देखें कितना आसानी के साथ ऊपर चढ़ गया है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तकरीबन एक घंटे की कोशिश के बाद ऊंट ऊपर चढ़ चुका है। पांच ऊंट सवार हो चुके हैं, बाकी दो ऊंट बाकी रहते हैं। ये छठा सवार हो रहा है, इसके बाद ये एक बाकी है। और ये तो मुझे लगता है कि आराम से नहीं, लेकिन फिर वापस आ गया है। आराम से ऊंट चढ़ गया है। इसमें आखिरी ऊंट देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है, लेकिन लग रहा है कि ये परेशान करेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसने भी ज़्यादा तंग नहीं किया। अल्लाह माशाल्लाह, सात ऊंट सवार हो चुके हैं, सात ऊंट इस ट्रक के अंदर।